हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। इतना ही नहीं, उनकी संपत्ति भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आखिरकार मोदी सरकार के मंत्रियों के पास कितनी संपत्ति है, या फिर हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास कितनी संपत्ति है? दरअसल आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको यही बताने वाले हैं कि आखिरकार और उनके पास कितनी संपत्ति है। इस रिपोर्ट में जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी के पास कैश में 89,700 रुपए, तो वहीं अगर उनके बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए के आसपास की रकम है। इतना ही नहीं, उन्होंने FD भी करवा रखी है और उनकी FD है लगभग 59 लाख रुपए की, और LNT का 20,000 रुपए बॉन्ड है, तो वहीं NC में 3.5 लाख रुपए के आसपास है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने LIC भी करवा रखी है जो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी के पास उनका अपना कोई घर नहीं है और ना ही कोई अपनी कार है। यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि मोदी सरकार में एक मंत्री और हैं जिनकी संपत्ति केवल 52 लाख रुपए की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की। वहीं अगर बात करें सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की, तो उनकी कुल संपत्ति केवल 1.60 करोड़ रुपए है। वेब 23 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।